नया घर लेती है, अम्मा को भी ले आएंगे। हाँ फराज, अगर मैं घर पर होती तो अलग बात थी, अब मैं भी नहीं हूँ। अम्मा अकेले बोर नहीं हो जाएंगी? या तो मेरे एग्जाम्स हो जाए तो हम उनको फिर लेकर आ जाए। नहीं तुम्हारे एग्जाम्स के बाद में। हाँ ठीक है। आज इस घर की आखिरी चाय पी। मैं बना कर ले। वैसे शाकिर चाचा को इतना ज्यादा महंगा सामान देने की क्या जरूरत? अपनी बेटी को खाली हाथ रुखसत कर देते वो, क्या जरूरत है? फिर भी उन पर बोझ तो होगा ना? कोई बोझ बोझ नहीं है, मैनेज कर सकते तो दिया है ना। हाँ देखे तो सेम आगा, कितना अच्छा लग रहा है ना, कितना अच्छा लग रहा है ना। सर आपका सामान भिजवा दिया था, पहुंच गया। जी जनाब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये 15,000 रुपया पहली किस्त। सर 15,000? सर आपको 2,000 रुपये और देने होंगे। वो क्यों? सर हर किस्त के साथ आपको 2,000 रुपये बेनिफिट टैक्स देना होगा। ऐसा तो आपने पहले बताया ही नहीं था। जनाब देखें, 5 लाख का आपको सामान फ्री में तो नहीं मिलेगा ना। अब ऐसे ही अगर हम हर किसी को सामान बांटते रहे फिर तो कंपनी का दिवालिया निकल जाएगा। लेकिन ये कैसा टैक्स है? आपने तो कहा था ये सूद नहीं है। सर जो सूद नहीं देना चाहे उनके लिए बेनिफिट टैक्स है। बेनिफिट टैक्स? ये तो सरासर ज्यादती है। कैसी ज्यादती सर? आपको 5 लाख का सामान दिया सर, आपकी सफेद पोशी का इतना भरम रखा, आपकी बेटी की रुखसती हो गई इज्जत से, कैसी ज्यादती सर? अगर आप मुझे पहले ये सब कुछ बता देते तो मैं शायद ये सामान लेता ही ना। सर अब तो ले लिया, अब कैसा पछतावा। सर प्लीज आप 2,000 और दे दें, और अब से हर महीने की किस्त पे आपको 2,000 रुपये और दे देंगे। ये लीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू। ध्यान से, घर सेट करना बहुत मुश्किल काम है। हाँ आज हमें भी पता चल गया है। हर तरफ नई नई चीजें देख के कितना अच्छा लग रहा है ना। हाँ ये तो है। फराज बहुत भूख लग रही है, अब आप जाके कुछ खाने के लिए ले आओ होटल से। अच्छा मैं शॉवर लेके जाता हूँ।